रियासत में बरसर इक्तदार सियासी जमात टीआरएस के सीनियर रियासती अकलियती कायद मोहम्मद शुक्रुद्दीन माविन रुकन परिषद करीमनगर आज यहां जारी अपने सहाफती बयान में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को शदीद हदब तनकीद बनाते हुए इल्जाम आयद किया कि उन्होंने महज 8 साल में मुल्क को 20 लाख करोड़ रुपए का मखरूज बना दिया है, जबकि आजादी के 65 सालों में 13 वजरा आजम ने महज 5 लाख करोड़ का बैरूनी कर्ज लेकर मुल्क की आवाम की जरूरियात की तकमील के अलावा कौम की तरक्की व खुशहाली फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी हमेशा झूठ का सहारा लेकर मुल्क व कौम को गुमराह कर रहे हैं। कौमी सतह पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सियासी ताकतवर मुतबादल के तौर पर वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव मुल्क व कौम की उमंग बनकर उभर रहे हैं। वजीर आला के सीआर से रियासत तेलंगाना की हमजहद तरक्की की तरह मुल्क की तरक्की और सरहदात की हिफाजत मुमकिन हो गई। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के सीआर ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मुतबादल है। रियासत तेलंगाना में एकनाथ शिंदे की मौजूदगी का बार बार भारतीय जनता पार्टी के कायदीन की जानिब से हवाला देने पर अपनी शदीद बरहमी जताते हुए मोहम्मद शुक्रुद्दीन ने कहा कि रियासत तेलंगाना में एकनाथ शिंदे का तस्वीर करना भी महाल है और रियासत महाराष्ट्र में पेश आए वाकयात के तमस्सुख उड़ाते हुए उन्होंने तंज किया कि अनकरीब शिंदे का महाराष्ट्र में शिंदे छुट्टी यकीनी है। नमस्ते आदाब, नेन मोहम्मद शुक्रुद्दीन जिला परिषद कॉर्पोरेशन मेंबर करीमनगर जिला टीआरएस पार्टी माइनॉरिटी विभाग राष्ट्र कार्यदर्शी मुन्ना बीजेपी राष्ट्र अध्यक्ष बंडी संजय गारु केसीआर गारिनि उद्देशించి ఒక మాట అన్నారు నక్కెక్కడా నాగలోకం ఎక్కడా అని మాట్లాడిండు। అసలు నక్క నాగలోకం అంటే మీకు తెలుసా సార్? అంటే మీ మీ ఆలోచన ఏంటి? మోడీ గారికి కేసీఆర్ గారికి పోలికనా అన్నట్టు? అంటే మోడీ ఏమన్నా ఆకాశం మీదకి ఊడిపడ్డడా లేక ఆయన మనిషే కదా? మరి కేసీఆర్ గారేంటి? అసలు కేసీఆర్ గారి చరిష్మా ఏంటిది? మరి మోదీలాగా కేసీఆర్ గారు కూడా రెండోసారి సీఎం ఉన్నారు ఇప్పుడు, మరి అట్లాగే మోదీ గారు కూడా గతంలో సీఎం చేసి ప్రధాని అయ్యిండు, అన్ని అబద్ధాలు జూటా మాటలు చెప్పి గుజరాత్ మోడల్ అని అబద్ధాలతోటి మరి ప్రధాని అయ్యిండు।